जनपद की रिजर्व पुलिस लाइन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को बेहद भव्य तरीके से मनाया गया, जिसको लेकर पुलिस लाइन स्थित श्री कृष्ण मंदिर को पूरी तरह से सजा दिया गया। मंदिर के बाहर और भीतर भी बेहद खूबसूरत सजावट की गई। कोरोना काल के बाद पहली बार पुलिस लाइन सहित जनपद के सभी थानों पर प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जन्माष्टमी मनाया गया। इस मौके पर एडीजी जोन अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, एसपीसीटी सोनम कुमार, एसपी लाइन व ट्रैफिक राम सेवक गौतम, सीओ लाइन राहुल भाटी, आरआई उमेश कुमार दुबे सहित पुलिस के अन्य जवान, उनके परिजन और गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। इस दौरान एडीजी जोन, डीआईजी, कमिश्नर, एसपीसीटी, एसपी ट्रैफिक सहित अन्य अधिकारियों ने पुलिस लाइन स्थित राधा कृष्ण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के साथ पूजा अर्चना की। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपीसीटी सोनम कुमार और एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, जनाई जानत तुम्हें भई जाई, जिन जाने चल जाई मिराई, जागे जथा स्वपन ब्रह्म जाई। भगवान तुलसीदास, जानने के बाद व्यक्ति वही हो जाता है जो परमात्मा का स्वरूप होता है। इसी प्रकार विनती लेके आया हूं भगवान से, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान अपने Oh,
आपको भगवान सब कुछ आपका योगा क्षेत्र वहां में हम आपका भरण पोषण करेंगे। वही इस पंक्ति में है, मैं भला
था पुलिस में अश्विनी सिंह आपके बीच। और जैसे मैंने आपसे बताया कि किसी पदों में अनुराग भाई, आपको यह जानते हुए हर्ष हो रहा है होगा कि हमारे बीच हमारे जोन के मुखिया हमें सिटी सर से अनुरोध करूंगा स्वागत करें और एडीजी मैम का भी स्वागत करें। आप लोगों ने करवाते हैं एक बदल आपके बीच में मैम भी हमारे बीच में है, उनका भी हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। कार्यक्रम को पूरा नहीं माना जाता है इसलिए अनूप अनूपन का जो भजन करवाते हैं अनूप जी का गाया हुआ ये प्यारा सा भजन जो प्रस्तुत कर रहे हैं आपके बीच चाहे कृष्ण का बोला रहा भाई सुनते भजन को प्रस्तुत कर रहे हैं अश्विनी सिंह आपके बीच। हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और ये अंधकार पे प्रकाश की विजय है, अपराधियों पे सत्य की विजय, इसलिए उसी को मनाते हैं हम लोग हर साल की तरह। इसमें पुलिस लाइंस में एडीजी महोदय, डीआईजी महोदय, कमिश्नर महोदय भी स्वयं आए हैं और इसके जनता के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जनता के लोग भी आमंत्रित हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो शहर में अलग अलग क्षेत्रों में मनाया जा रहा है त्यौहार, वहाँ पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सब लोग जो है मैं सबसे यही अनुरोध करूंगा कि हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाएं। देखिए ये परंपरा रही है पुलिस के तरफ से, जो भी बच्चे हैं पुलिस वालों के, जो भी टैलेंटेड लोग हैं वो उन्होंने अपना किया देशभक्ति के और भक्ति के, दोनों तरह के गाने यहाँ पे गाए जा रहे हैं, नृत्य संगीत का आयोजन किया जा रहा है। जो रेगुलर पुलिसिंग है उससे हट करके थोड़ा लोगों को मौका मिल रहा है अपना टैलेंट दिखाने, और जनता से भी अनुरोध है कि ऐसे ही हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाएं और जो भी इसमें इस त्यौहार की जो संदेश है उसे अपने जीवन में उतारें। सभी को कहा गया इसलिए देखिए मास्क में हम लोग हैं आज विशेष रूप से, इस पे जो उपस्थिति है उसमें और टाइमिंग पे भी छूट मिली है इसको मनाने के लिए, और मैं देख रहा हूँ लोगों में उल्लास है लेकिन रेस्ट्रिक्टेड और
कम भीड़ के ही जल्दी हम लोग को करना है, कोविड का भी ध्यान देना। एक ऐसा त्यौहार है जिसको सभी लोग मनाते हैं, खास करके पुलिस विभाग में एक परंपरा रही है भगवान कृष्ण के जन्म को मनाने की, कि उसके कई कारण हैं। पहली कारण आप जानते ही हैं कि उनका जन्म जेल में हुआ था और लॉकअप में हुआ था। दूसरा, हमेशा अधर्म पे धर्म की जीत का वो प्रतीक है, चाहे वो महाभारत की लड़ाई हो जहाँ उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, या कभी भी ऐसे जहाँ पे मोरल विक्ट्री हो, जहाँ मोरल वैल्यूज़ को प्रधानता दी जाती है, भगवान कृष्ण को हमेशा याद किया जाता है। पुलिस विभाग के कर्म ऐसा होता है जहाँ हमें सीख मिलती है कि हम उनके दिए गए आदर्शों का पालन करें और हमेशा धर्म के रास्ते पर चलें। संदेश यही है कि एक इस जो खुशी का पर्व है इसको हम अच्छे ढंग से मनाएं और भगवान कृष्ण के आदर्शों और मूल्यों पर चलें। तमाम पुलिस वाले ने अपने प्रस्तुत किया गाना। देखिए, बहुत दिन से प्रोग्राम नहीं हुआ था, इस प्रोग्राम के माध्यम से विभाग अपना जो टैलेंट होता है उसको भी प्रदर्शित करता है और एक उनको भी एक मौका मिलता है कि इसको हर्षोल्लास से परिवार सहित मनाए। एक अच्छा मौका है, अच्छे माहौल में मनाए, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छे से हर्षोल्लास से मनाए, पूरे परिवार के साथ इस आनंद उठाएं इस पर्व का, और भगवान कृष्ण के जो आदर्श मूल्य उनका पालन करें।